इस वक्त एक बड़ी खबर, बड़ी अपडेट सामने आ रही है, जहां सरपंचों ने सीएम आवास के घेराव के लिए कूच किया। पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। पुलिस ने सरपंचों को बैरिकेडिंग लगाकर रोका है, आपको बता दें। इसके साथ ही पंचकूला चंडीगढ़ बॉर्डर पर पुलिस की कड़ी सुरक्षा देखने को मिली है। सरपंचों ने सीएम आवास के घेराव के लिए कूच करने का ऐलान पहले ही कर दिया था, जिसको लेकर पुलिस जो थी सतर्क थी। पुलिस ने पहले से ही बैरिकेडिंग लगा रखी थी और जगह जगह पर हम देख रहे थे पुलिस बल तैनात भी किया गया था। इधर सरपंचों ने कहा था कि अगर आप हमें रोकेंगे तो हम उसी जगह पर धरना शुरू कर देंगे। और ये तस्वीरें सामने आ रही हैं, हल्की फुल्की झड़प भी देखने को मिली है सरपंचों और पुलिस के बीच। बैरिकेडिंग लगाकर यहाँ पर पुलिस इन सरपंचों को रोकते हुए नजर आ रही है। इंटेंजन का लगातार विरोध यहाँ पर जो सरपंच है वो कर रहे हैं, नाराजगी इसको लेकर जाहिर कर रहे हैं अपनी। और इसी के चलते सीएम आवास का घेराव करने के लिए ये चंडीगढ़ की ओर बढ़ रहे थे, जहां पर इन्हें रोक दिया गया है। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर इन सरपंचों को रोका है। पहली तस्वीर में सरपंचों की ये भारी भीड़ जो कि आगे बढ़ने का प्रयास करती हुई नजर आ रही है। जानकारी देने के लिए मेरे सहयोगी रवि कालीरमन मेरे साथ जुड़ गए हैं। रवि कालीरमन, अब देख रहे हैं हम तस्वीरें, जिस तरह से जो उम्मीद कहीं ना कहीं की जा रही थी इन तस्वीरों की, वही तस्वीरें अब सामने आ रही हैं। कैसे रोकने का प्रयास हो रहा है इन्हें? बिल्कुल, देखिए जिस प्रकार का माहौल अभी चंडीगढ़ बॉर्डर पर है, वो कहीं ना कहीं आपसी रफ्तारकश्ती का माहौल जो है वो उसको कह सकते हैं। पुलिस की तरफ से बैरिकेडिंग जो है उसको टाइट किया जा रहा है। तमाम जो सरपंच हैं, तमाम जो लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, उनकी तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ने का जो है वो प्रयास किया जा रहा है। मुख्यमंत्री आवास का घेराव की जो है वो कॉल की हुई थी सरपंच ने, एक दौर की वार्ता भी कहीं ना कहीं जो है सरकार के और सरपंचों के बीच हुई थी। जयेंद्र बबली की अध्यक्षता में बातचीत हुई थी, तो कहीं ना कहीं वो व्यवहार रही। और अब कहीं ना कहीं पंचकूला बॉर्डर पर स्थिति जो है वो कहीं ना कहीं पुलिस और सरपंच जो है वो आमने सामने दिखाई दे रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं तमाम जो लोग हैं, प्रदर्शनकारी हैं, वो आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। हल्की धक्का मुक्की जरूर देखने को मिली है सरपंचों की तरफ से और पुलिस प्रशासन की तरफ से, कहीं ना कहीं उनको रोकने का प्रयास जो है वो जारी है। सृष्टि, तो रवि, जैसा कि सरपंचों की तरफ से कहा गया था जहां पर रोकेंगे हम वहीं पर धरना शुरू कर देंगे, तो क्या अभी अभी क्या तस्वीरें हैं, अभी भी ये जो धक्का मुक्की है वो जारी है या सरपंच यहीं पर धरना देकर बैठ गए हैं? देखिए, अभी इस प्रकार की जो तस्वीरें सामने टीवी स्क्रीन पे हमारे जो दर्शक देख रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हल्की फुल्की धक्का मुक्की जो है वो करने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है, आगे बढ़ने का प्रयास जो है बेसिकली वो किया जा रहा है। और कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन उनको समझाने का काम कर रही है, उनको कहा जा रहा है कि आप यहीं रुक जाइए, आपको किसी को ज्ञापन देना है तो ज्ञापन आप यहाँ से दे सकते हैं। इतनी भारी भीड़ में, इतनी बड़ी तादाद में आपको चंडीगढ़ में एंट्री जो है वो नहीं दी जा सकती, इसकी परमिशन आप लोगों को नहीं दी जा सकती। ये बातचीत का जो दौर है वो शुरू हो चुका है। देखने वाली बात ये होगी कि अगली रणनीति क्या रहने वाली है। रवि, क्या सरपंचों से बातचीत हो पाई है, उनकी आगे की रणनीति अब इसके बाद क्या होगी, इसके बारे में क्या कोई जानकारी मिल पाई है? देखिए, फिलहाल अगर रणनीति की बात की जाए तो स्थित रणनीति सिर्फ मुख्यमंत्री आवास का घेराव करने की सरपंचों की तरफ से बनाई गई थी। अब कहीं ना कहीं रोक लिया गया है। चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से बैरिकेडिंग जो है, जिस प्रकार से हम सुबह से ही जिक्र कर रहे थे कि एक अच्छी खासी बैरिकेडिंग जो है वो चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से देखने को मिलेगी। तमाम तरह के एंटी रॉयट्स व्हीकल जो है वो वहां डिप्लॉय कर रखे हैं। तो एक बार प्रयास ये जरूर किया जा रहा है कि तमाम जो सरपंच है वो मान जाए। और कहीं ना कहीं आपको किसी को, मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंपना है या फिर गवर्नर को ज्ञापन सौंपना है, तो उससे उनकी वो सूचना मुख्यमंत्री या फिर गवर्नर तक पहुंचा दी जाएगी और आगे की जो बातचीत होगी वो उसी हिसाब से करनी होगी। तो कहीं ना कहीं प्रयास ये है कि तमाम सरपंचों को समझाया जाए, बड़े प्यार से समझाने का प्रयास जो है वो किया जा रहा है। लेकिन थोड़ी बहुत रस्साकसी जो है बैरिकेडिंग को लेकर देखने को जरूर मिली है कि तमाम जो लोग हैं, तमाम जो प्रदर्शनकारी हैं वो बैरिकेडिंग तोड़ते हुए नजर आ रहे थे कि उनको आगे बढ़ना है, इसलिए वो लगातार। रवि, जैसा कि हम देख रहे हैं कि सरपंच तो यहाँ से ज्ञापन सौंपने को तैयार नहीं है, वो आगे ही जाना चाहते हैं, उम्मीद क्या सरकार से की जाए, कोई नुमाइंदा सरकार की तरफ से आए, इनको समझाने का प्रयास करे? बिल्कुल सृष्टि, ऐसा हो सकता है और कहीं ना कहीं तमाम जो सरपंच है उनको समझाने का प्रयास जरूर जो है चंडीगढ़ पुलिस प्रशासन की तरफ से सबसे पहले किया जा रहा है।
और उसके बाद कहीं ना कहीं ऊपर लेवल तक ये तमाम जो बातें हैं वो पहुंचा दी जाएंगी। खुफिया विभाग भी पूरे कहीं ना कहीं जो प्रदर्शन है उस पर नजर बनाए हुए है, तमाम पल पल की अपडेट जो है सीएमओ तक पहुंच गई है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं हरियाणा सरकार भी ये प्रयासरत है कि किसी प्रकार की हिंसा ना हो, बड़ी प्यार से तमाम जो बातें हैं वो समझी जाएं, तमाम से बड़ी आराम से बैठकर तमाम जो बातें हैं उनका टेबल टॉक करने से जो है तमाम समाधान हो सकते हैं। इस प्रकार की हुड़दंगबाजी से या फिर इस प्रकार की जो आक्रोश तमाम जो लोग दिख रहे हैं, इस प्रकार से कोई जो बातचीत है वो चलिए ठीक है, बातचीत से समाधान निकालने की कोशिश की थी लेकिन वो नजर नहीं आया, जिसके बाद इस तरह की तस्वीरें जो है सामने आ रही है। रवि शुक्रिया आपका खबर पर जानकारी देने के लिए।